मैं सब सचिन शर्मा और ये श्री चने की फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की और इसमें आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कराई थी लास्ट वीडियो में और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बात की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैच हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉस कॉस साइन साइन। तो इस टाइप की आइडेंटिटी अगर आपको याद आ रही है जिसमें कॉस कॉस साइन साइन एक साथ होते हैं और बीच में आपका माइनस होता है, तो वो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी थी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। और यहाँ पे कॉस ए की जो वैल्यू है वो पाई बाई फोर माइनस एक्स है और बी की जो वैल्यू है वो पाई बाई फोर माइनस बाई है। ए की वैल्यू पाई बाई फोर माइनस एक्स है और बी की वैल्यू पाई बाई फोर माइनस बाई है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी और ऐड होने पर पाई बाई फोर 90 हो जाएगा, यानी पाई बाई टू 90। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा में चेंज हो जाता है, इसलिए राइट हैंड साइड में साइन लिखा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो ऊपर आपका टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होगा, जिससे आपके एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को अगर हम परिमेयकरण करें, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन करना, इस टाइप से हम कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे या फिर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू पुट कर देंगे केवल, तो उससे भी हमारा इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें तो इसमें आपको करना क्या है, केवल पाई प्लस एक्स यानी कॉस 180 प्लस थीटा के फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है। इसमें माइनस को आप आउटसाइड लिखने की बजाय कॉस को एलिमिनेट कर देता है, सॉरी माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है और यहाँ पर साइन 180 माइनस एक्स जो होता है वो आपका प्लस के साइन एक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनकी सिंगल टर्म चेंज कर लेंगे तो ये सॉल्व होकर वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, ये तो मैं आपको केवल हिंट्स दे रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं तो इनमें जो क्वेश्चन आप कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं आई थिंक, अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 3.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स और फिर डिवाइड में लिखा है यही फॉर्मूला आपका टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स की फॉर्म में। हम जानते हैं टेन पाई बाई फोर जो होता है वो टेन 45 यानी 45 होता है, लेकिन उससे पहले हम टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे जिसमें ए की वैल्यू पाई बाई फोर है और प्लस होने पर सबसे पहले हम टेन ए प्लस टेन बी और फिर डिवाइड में 1 माइनस टेन ए टेन बी की कंडीशन को ओपन करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये तो हो गया हमारा अंश यानी न्यूमरेटर। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में माइनस वाला फॉर्मूला खुलेगा, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगी बट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना चेंज करके हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो देखिए क्या आएगा। इसके बाद यहाँ पर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन पाई बाई फोर और मल्टीप्लाई टेन एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टेन पाई बाई फोर यानी टेन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और डिवाइड में 1 माइनस के टेन एक्स। अब इसका रेसिप्रोकल आपका डिनोमिनेटर में दिखाई देगा, 1 माइनस टेन एक्स और अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब होता क्या है, डिनोमिनेटर में अगर आपकी कोई रेशनल नंबर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमिनेटर में, वो भी रेसिप्रोकल होकर। तो यहाँ पर बनेगा आपका 1 प्लस के टेन एक्स अपॉन 1 माइनस के टेन एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के टेन एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू सॉरी पॉजिटिव ऊपर आएगा नेगेटिव नीचे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो 1 प्लस टेन एक्स और अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की फॉर्म बन चुकी है, जो दोनों ब्रैकेट सेम होने की वजह से हम इसका होल स्क्वायर टेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी था, जिसमें आपको दिया गया था कॉस पाई पाई मतलब 180 प्लस एक्स। ठीक है, और फिर लिखा था आपका कॉस माइनस एक्स और फिर डिवाइड में लिखा है साइन पाई मतलब 180 माइनस एक्स और फिर लिखा है आपका कॉस पाई बाई टू यानी 90 यानी 90 और प्लस एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है वो आपका सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 180 यानी 180 जो होता है कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, बट निगेटिव हो जाएगा, ये जो आपका कॉस में माइनस है ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो 180 माइनस करने पर ये आपका पॉजिटिव रहेगा, तो
ठीक है, और नो चेंज रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर कॉस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर पर साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप देखें तो इसके बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9626456763 को पूछ सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट्स के माध्यम से भी वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको शेयर करें।